स्वागत है आप सभी का एपिक स्टारडम के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यो यो हनी सिंह के आने वाले एल्बम ग्लोरी के बारे में, जो 26 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। अगर आप भी यो यो हनी सिंह इसके फैन हैं, तो आपको पता ही होगा कि इस एल्बम को लेकर कितनी ज्यादा हाइप है। फैंस बेसब्री से इस एल्बम का इंतजार कर रहे हैं और हाल ही में यो यो हनी सिंह एक नए टी सीरीज के साथ एक खास इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने नए एल्बम के सभी 18 गानों के बारे में विस्तार से बात की। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कौन सा आर्टिस्ट किस गाने में फीचर कर रहा है, कौन सा गाना किस भाषा में है और गानों के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है। हर गाने के साथ एक खास कहानी जुड़ी हुई है, जो इस एल्बम को और भी खास बनाती है। लेकिन दोस्तों, एक गाना है जिसने सबसे ज्यादा हाइप और एक्साइटमेंट पैदा की है, और वो है देम। ये गाना वाकई में काफी खास होने वाला है। इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि देम गाना उनके उन हेटर्स के लिए है, जो उन्हें पिछले कुछ सालों और महीनों से पोक करने की कोशिश कर रहे थे। तो लियो ने रैप किया और इसमें हमने जवाब दिए कई पतंदरों को, जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे, बहुत चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चिढ़ते नहीं हैं। तो हमने कहा चलो, फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें, तो इसमें वी जस्ट सेड सिंपली एंड स्मूथली एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फक। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यो यो हनी सिंह ने और क्या कहा, तो आप पूरा इंटरव्यू टी सीरीज के चैनल पर देख सकते हैं। इस एल्बम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी और अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इस हाइप का हिस्सा बन सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यो यो हनी सिंह के आने वाले गानों और एल्बम्स की सबसे पहले जानकारी मिले, तो एपिक स्टारडम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए म्यूजिक का मजा लेते रहिए और खुश रहिए।